All right, let's talk about the chapter inheritance. Now, genetics, हमें पता है कि वो branch है biology की, कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं about transfer of hereditary transfer of characters from parents to offspring. यानी किसी भी organism से उसके offspring के अंदर किस तरह से character transfer होते हैं, उसका pattern, mode of inheritance क्या होता है, किस तरीके से transfer होते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर. तो जेनेटिक्स जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जिनको हम मेंडेलियन वर्सेस नॉन मेंडेलियन कहते हैं. मेंडल जो है उसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें मोर और लेस इसके अंदर सिमिलर चीज़ें ही हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि गो थ्रू करेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है ये वो ब्रांच है कि जिसके अंदर स्टडी किया जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, सिमिलैरिटीज की वजूहत क्या होती हैं, वेरिएशन की वजूहत क्या होती हैं, कोई दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में सिमिलर क्यों होते हैं और उनके अंदर जो वेरिएशन आती है उसकी वजह क्या होती है, सारी चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं. देन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक्स के स्टार्ट में अगर आप पूछें तो फिर आपको आगे इनके आंसर्स मिलते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सिमिलैरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जनरेशन के अंदर वेरिएशन लेकर आते हैं. नंबर टू, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहेरिट नहीं होते. नंबर थ्री, कौन से हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं जो कि स्पीशीज के अंदर कॉमन होते हैं एंड किन की वजह से वो डिफर करते हैं. ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बताया कि एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लिंकेज कहते हैं. लिंकेज के अंदर ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स मोड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक बंच होता है कैरेक्टर का, वो एक साथ लिंक होके जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है. तो उससे जो है वो सिमिलैरिटीज आती हैं और वेरिएशन जो आती है वो क्रॉसिंग ओवर से आती है. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. इनहेरिटेड नॉन इनहेरिटेड हमें पता है, वो सारी म्यूटेशंस, वो सारे चेंजेस जो कि जर्म सेल्स के अंदर आएंगे वो सारे इनहेरिट होते हैं, वो सारी चेंजेस जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर आती हैं वो इनहेरिट नहीं होते. नंबर थ्री, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पीशीज के अंदर कॉमन है. तो किसी भी स्पीशी के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द डीएनए जो है वो कॉमन होता है, जो वेरिएशन आती है वो बहुत ही थोड़े से डीएनए की वजह से आती है. ह्यूमंस के अंदर 99.99% डीएनए जो होता है वो कॉमन होता है, वो सबके अंदर सेम होता है. ये जो 0.01% है, इतना परसेंट डीएनए चेंज होने की वजह से इतना ड्रास्टिक जो है वो चेंज आता है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि जेनेटिक के अंदर आंसर होते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि मेंडल जो है, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन थी वो सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन थी. हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं मिक्सिंग को, किसी भी सेम स्पीशी के अंदर दो वेराइटीज़ को आपस में मिक्स करना या फिर दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में मिक्स करना, ताकि आप कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अपना जो है वो बना सकें. इस प्रोसीजर को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के एनिमल्स को आपस में मिला के, जो कि एक या तो सेम स्पीशी के अंदर भी हो सकते हैं बट डिफरेंट कैरेक्टर्स के होते हैं, ताकि आप एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट करें कि जिसके अंदर उन दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स हों. तो ये प्रोसेस जो है ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं. तो मेंडल के जो मेंडल से पहले भी लोगों ने जो है वो प्लांट्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सक्सेसफुल इस वजह से थे बिकॉज उसने कुछ बातों का ख्याल रखा था. प्रीवियसली जो लोगों ने काम किया था उनको स्टडी करने के बाद, उनकी जो उनको जो डिफ़िकल्टीज आई थी वो अवॉइड की थी. एंड जो उसका मेन डिफरेंस था वो ये था कि उसका जो मटीरियल था जो उसने चूज़ किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो प्लांट उसने चूज़ किया था वो बहुत अच्छा था. तो वो था पाइसम सैटिवम. पाइसम सैटिवम जो है वो पी प्लांट है. अब इसके कुछ रीजन हैं कि जिसके बेसिस के ऊपर ये प्लांट जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है वो एक बेस्ट चॉइस थी. नंबर वन, इजी टू कल्टीवेट. अगर एक प्लांट ऐसा है जो कि डिफ़िकल्ट टू कल्टीवेट है, यानी उसके लिए बहुत पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कोई बहुत ख़ास तरह की मिट्टी चाहिए होगी, बहुत ख़ास तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ख़ास तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा, तो फिर उसे ग्रो करना मुश्किल होगा. जब ग्रो करना मुश्किल होगा तो फिर आप उसे रिपीटेडली ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसने बहुत सारे प्लांट्स और रिपीटेडली ग्रो किए जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो आपको एक ऐसा प्लांट चाहिए जो बहुत आराम से उग सके, मतलब इतना आराम से हो सके कहीं भी लगा दो और बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स के साथ. नंबर टू, ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर.
अगर किसी प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो इसका मतलब यह है कि मिक्सिंग सिर्फ तब होगी जब आप करवाएंगे। अगर किसी प्लांट के अंदर दोनों तरह की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये जो मिक्सिंग, ये जो रिजल्ट मिक्स आया है, ये आपके करवाने से आया है या फिर ये नेचुरली हुआ है। तो चूंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है, यानी जो प्लांट है, जो फ्लावर है, उसी का पॉलन ग्रेन जो है, ये आपका एंथर है, इसी का पॉलन ग्रेन जो है वो इसी के कार्पेल के ऊपर आता है और इसे पॉलिनेट करता है, अंदर जाके ओवम के साथ मिलता है इसका स्पर्म। तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ आर्टिफिशियली हो सकती है। तो आपको पता होगा कि आपने कौन से प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो कौन से फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो कौन से दूसरे फ्लावर के ऊपर जो है वो प्लांट किया है। नंबर थ्री, बिग साइज फ्लावर। तो बिग साइज फ्लावर है तो काम करना आसान हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आर्टिफिशियली होती है, नेचुरली नहीं होती। एंड देन नंबर ऑफ वैरायटीज। नंबर ऑफ वैरायटीज से फायदा ये होता है कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और इनके शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट तो होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत कोई मार्क्ड जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं आ रही होती, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट नजर आते हैं आपको। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और शार्प कैरेक्टर्स हैं। एंड नंबर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में जो हाइब्रिड पैदा होते हैं, ठीक है, वो फर्टाइल होते हैं। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हमने कल्टिवेशन की बात की थी। अगर ईजी टू कल्टिवेट होगा तो फिर आप आराम से जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने क्रॉस करवाया और क्रॉस के नतीजे में जो हाइब्रिड बना, हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप मिक्सिंग करवाते हैं, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसे आप हाइब्रिड कहते हैं। और जिनको आपने मिलाया था, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले को जो आपने मिलाया था कि जो आपके बिल्कुल ही जिनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई हुई थी, उन्हें हम प्योर ब्रेड प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, प्योर प्लांट्स कहते हैं या प्योर ब्रेड प्लांट्स कहते हैं। तो जो हाइब्रिड बना है अगर वो फर्टाइल नहीं है, यानी वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो फिर आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो यहीं पर रुक जाएगा। तो हाइब्रिड का फर्टाइल होना जरूरी होता है ताकि आप फर्दर एक्सपेरिमेंट उस हाइब्रिड के साथ कर सकें। मजे की बात यह है कि ही वॉज नॉट अ प्योर बायोलॉजिस्ट, तो वो एक मॉन्क था। मॉन्क मेरे ख्याल में ये वो होते हैं किसी एक रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते हैं, तो वो होता है। ये हमारे पास 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि इसने स्टडी किए थे, और हर कैरेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत शार्प डिमार्केशन आपको नजर आएगी। तो पहला जो कैरेक्टर था वो हाइट था। तो हाइट के अंदर पाइसम सेटिवम के अंदर, इस पी प्लांट के अंदर दो वैरायटीज पाई जाती हैं, एक टॉल प्लांट आपको मिल जाएगा और एक शॉर्ट प्लांट या डॉर्फ प्लांट मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि टॉल प्लांट जो है वो इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है, शॉर्ट प्लांट जो है वो इसके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर है। इन डेफिनेशंस के ऊपर मैं खैर आगे बात करूंगा। यही थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप किसी टॉल प्लांट को किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ, ये हम पाइसम सेटिवम की बात कर रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे और नतीजे में जो जनरेशन बनेगी उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है टॉल होना और एक कैरेक्टर है ड्वार्फ होना, तो इन दोनों में से जो कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, और जो कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर सकेगा वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा। तो जब भी टॉल और शॉर्ट को क्रॉस करवाया जाता है, अगर ये दोनों प्योर हैं, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, प्योर का मतलब ये है कि इसके पास इस टॉल होने के लिए जो दो जीन्स हैं वो दोनों सेम हैं, और इसके पास ड्वार्फ होने के लिए जो अभी तक इनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई, तो ये प्योर ब्रेड प्लांट्स कहलाते हैं। तो जब भी प्योर ब्रेड प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाएगा टॉल और ड्वार्फ, तो उसके नतीजे में F1 जनरेशन में सिर्फ एक नजर आएगा, यानी सिर्फ एक ही वैरायटी नजर आएगी। तो पाइसम सेटिवम के केस में वो टॉल वैरायटी होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि टॉल होना जो है इसके अंदर वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से सीड का शेप है, तो ये राउंड शेप है और ये रिंकल शेप है। इन दोनों प्लांट्स को अगर आप क्रॉस करवाएं, राउंड शेप वाले को और रिंकल शेप वाले को, तो उसके नतीजे में हमेशा पहली जनरेशन में आपको राउंड शेप वाले सीड्स के प्लांट नजर आएंगे। सीड के कलर की दो वैरायटीज हैं, एक इसके अंदर येलो कलर है और एक ग्रीन कलर। इसमें से येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है। सीड के कोट का कलर अलग है, एक ग्रीन कलर है और एक वाइट कलर है, जिसमें से ग्रीन कलर डोमिनेंट है और वाइट कलर जो है वो रिसेसिव है। पॉड का शेप, पॉड ये स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो पॉड का शेप जो है वो इन्फ्लेटेड है और कंस्ट्रक्टेड है। देन ये अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉड का कलर एक और कैरेक्टर है, एंड देन फ्लावर की पोजीशन
जो कि एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है, यानी एक्सिस के ऊपर है या फिर ब्रांच के बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद है। एक्सिस होता है साइड से निकल रही होती है। तो ये 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी की और 7 कैरेक्टर्स के अंदर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने फाइंड आउट किया कि कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर रिसेसिव है। तो मैंने बताया प्योर ब्रीड ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है, उसकी वजह ये थी क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर होती सेल्फ फर्टिलाइजेशन थी, तो उसे जो है वो प्योर ब्रीड मिल गई। अभी तक जो है वो मिक्सिंग नहीं हुई भी थी। तो मेंडल ने बारी बारी इन प्योर ब्रीड प्लांट्स के जो है वो सीड्स लगाए, उससे प्लांट्स डेवलप हुए एंड देन जब उनके अंदर फ्लावर्स आ गए तो इसने इन्हें क्रॉस पॉलिनेट करवाया और क्रॉस पॉलिनेट करवाने के नतीजे में जो जनरेशंस बनी उसने उनका सारा रिकॉर्ड रखा। तो फॉर एग्जांपल उसने करवाया कि इसके अंदर स्मूथ सीड का प्लांट था और एक रिंकल सीड का प्लांट था, इन दोनों को क्रॉस करवाया एंड देन आप बाद में मजीद पहले जो F1 जनरेशन बनी फिर उसके अंदर F1 जनरेशन में मजीद क्रॉस करवाया एंड पूरा उसने रिकॉर्ड रखा, तो उसे कुछ रेशियोज मिले। उसने बारी बारी हर कैरेक्टर जो है उसकी क्रॉसिंग करवाई और उसे जनरेशंस तक, दो जनरेशंस तक उसने जो है वो फॉलो किया और इसके नतीजे में इसने अपना लॉ दिया जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अगेन यही 7 कैरेक्टर्स के दरमियान का क्रॉस है। तो पहला क्रॉस टॉल और डॉर्फ के दरमियान में था जो पहली जनरेशन बनी, ठीक है। ये इस तरफ जो है ये सारे प्योर प्लांट्स है, ये प्योर ब्रीड है, इनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी और ये सारे जो बने हैं ये हाइब्रिड है, ठीक है। तो टॉल और डॉर्फ को जब उसने क्रॉस करवाया, यानी टॉल प्लांट के फ्लावर को डॉर्फ प्लांट के फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, तो नतीजे में जो पहली जनरेशन बनी, जब सीड बने उनके और उन सीड से उसने प्लांट्स को ग्रो करवाया, तो वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। लेकिन जब उसने फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स बने थे, यानी इस कंडीशन में जो प्लांट्स बने थे, उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, अब इसकी बार उसने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाई बल्कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने दी, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में उसे सेकंड जनरेशन के अंदर दोनों तरह के प्लांट्स मिले, टॉल भी मिले और डॉर्फ भी मिले, और जब उसने उनका रेशियो निकाला तो वो क्लोज टू 3:1 था, ठीक है, क्लोज टू 3:1। यही रेशियो उसे सबके अंदर मिला। उसने राउंड सीड और रिंकल सीड को क्रॉस करवाया, पहली जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर ने अपने आप को शो किया, यानी राउंड सीड आए सारे, और सेकंड जनरेशन के अंदर दोनों तरह के राउंड सीड और रिंकल सीड दोनों आए, अगेन रेशियो जो था वो 3:1 के क्लोज था। देन येलो कॉटिलेडन्स एंड ग्रीन कॉटिलेडन्स का क्रॉस करवाया, सारे के सारे येलो कॉटिलेडन मिले F1 जनरेशन में एंड देन F2 जनरेशन में, अगेन जो रेशियो मिला उसे वो 3:1 का रेशियो था, येलो भी मिले और ग्रीन भी मिले। पर्पल फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स, स्मूथ पॉड, कंस्ट्रक्टेड पॉड, ग्रीन पॉड्स, येलो पॉड्स, एक्सेल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर्स, सबके अंदर हर तरह के क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में किसी एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दूसरा जो है वो समझो बिल्कुल ही गायब हो गया, लेकिन F2 जनरेशन में जब इसी प्लांट को इसने सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उसे दोनों तरह के प्लांट्स मिले, दोनों तरह की वैरायटीज मिली और उनका रेशियो जब उसने निकाला तो वो क्लोज टू 3:1 था। तो मेंडल ने कंक्लूड किया कि जब भी आप पी प्लांट के अंदर कोई भी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं, जो कि सेम कैरेक्टर की डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, सेम कैरेक्टर का मतलब यह है कि जो हाइट है वो एक कैरेक्टर है और उसकी दो वैरायटीज या उसकी दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो ये हैं कि टॉल हाइट होना और डॉर्फ हाइट होना। बिल्कुल इसी तरह से फ्लावर का कलर जो है वो एक कैरेक्टर है और उसकी दो एक्सप्रेशंस का मतलब, उसकी दो वैरायटीज का मतलब है येलो कलर होना या पर्पल कलर होना। तो उसने कहा जब भी आप किसी एक कैरेक्टर की दो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन यानी दो डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उनमें से एक तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है कम्प्लीटली फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जबकि दूसरी जो है वो अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करती। किस कंडीशन में? जो हाइब्रिड कंडीशन होती है, जो इम्प्योर कंडीशन होती है, उसके अंदर एक अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करती है। तो इसने कहा जो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रही है, जो वैरायटी अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रही है, उसे उसने डोमिनेंट कैरेक्टर का नाम दिया या डोमिनेंट वैरायटी का नाम दिया, और दूसरी जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही उसने उसे कहा रिसेसिव वैरायटी। और इस लॉ को कि जब भी दो पी प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाएगा विद डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर, तो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा और दूसरा नहीं कर पाएगा, इस लॉ को इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया। देन मेंडल ने एक और लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सारी वही बात लिखी हुई है कि मेंडल ने जो है वो F1 जनरेशन के बाद हाइब्रिड सीड को जो है वो प्लांट किया, उनसे जो है वो प्लांट्स निकले, देन उन्हें सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, सेल्फ पॉलिनेट के बाद F2 जनरेशन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर अपेयर हुआ, दोनों अपेयर हुए और रेशियो 3:1 था। नाउ मेंडल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के लिए कोई दो फैक्टर्स होते हैं। मेंडल जो है वो जीन्स को फैक्टर्स का नाम देता था, उस वक्त तक जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था।
मेंडल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास किसी एक कैरेक्टर के लिए, और कैरेक्टर के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा था वो ट्रेट था, तो किसी भी एक कैरेक्टर के लिए या किसी भी एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स या दो जीन्स होते हैं। एक जो है वो पैटर्नल होती है, पैटर्नल साइड से आती है, फादर की साइड से, और एक मैटर्नल होती है। अच्छा, ये दोनों जीन्स जो है या दोनों फैक्टर्स जो है ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, जब भी हम डोमिनेंस और रिसेसिव की बात करते हैं, कंप्लीटली डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं, तो जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाइट की अगर हम बात करें, तो हाइट के लिए हमारे पास दो प्लांट है, एक टॉल प्लांट है और एक हमारे पास ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट है। तो मेंडल ने कहा इसके पास भी कोई दो क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर फैक्टर लगा हुआ होगा जो कि हाइट को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, तो हम ये एक अलग कलर से बना लेते हैं। मान लें कि ये वाला एरिया है जो कि हाइट को कंट्रोल करता है, और इसके ऊपर भी ये वाला एरिया है जो कि हाइट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब टॉल होने वाली जो जीन है उसको मैं इस कलर से बना रहा हूं, एक दूसरा कलर ले लेता हूं। टॉल होने वाली जीन को मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, और ड्वार्फ होने वाली जीन जो है उसको मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो मेंडल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर हाइट है, कोई दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों फैक्टर्स सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं। इसके पास ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो इस जीन को हमने नाम दिया है कैपिटल टी और कैपिटल टी का, और इस जीन को हमने नाम दिया है स्मॉल टी और स्मॉल टी का। तो इन दोनों के पास ये फैक्टर्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, और इन दोनों के पास ये फैक्टर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट कैसे होंगे? जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया था तो उसके नतीजे में जो हाइब्रिड प्लांट बना था वो टॉल तो था, एक कैरेक्टर ने अपने आप को शो किया था, वो टॉल तो था, लेकिन अगर आप उसकी जीन्स को देखेंगे तो उसके पास एक जो है वो ग्रीन कलर वाली जीन होगी यानी ड्वार्फ करने वाली, और एक जो है वो येलो कलर करने वाली जीन होगी, येलो वाली जीन होगी जो कि टॉल करने वाली होगी। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेरेंट जो है वो किस कंडीशन के अंदर है। अच्छा, यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर दोनों जीन्स जो है वो सेम है, किसी भी कैरेक्टर की दोनों जीन्स जो है, जो कंट्रोल करने वाली जीन्स हैं, वो किसी इंडिविजुअल के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेम है, तो ऐसी कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसके अंदर ये दोनों येलो कलर जीन्स हैं जो कि इसको टॉल बनाएंगी, ये कंडीशन होमोजाइगस कहलाएगी। इसी तरह से ये दोनों जीन्स इसके पास ग्रीन कलर की हैं जो कि इसे ड्वार्फ बनाएंगी, ये दोनों कंडीशन भी, ये कंडीशन भी होमोजाइगस कहलाती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम इसे कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए सेम जीन्स है, और हम इसे कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर की दोनों सेम जीन्स है। और एक ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर इसके पास दो अलग अलग जीन्स होंगी, सेम कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन्स होंगी, ये वैरायटी कहलाती है हेटरोजाइगस। ये वर्ड्स आगे आएंगे लेकिन मैंने कहा मैं यही एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, एक दो टर्म्स और हैं जो कि मैं यही समझा देता हूँ, वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कोई कैरेक्टर होता है जो कि हमें नजर आ रहा होता है वो उसका कहलाता है फिनोटाइप, और उसके लिए उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो कहलाता है उसका जीनोटाइप। यानी एक प्लांट आपने देखा, आपको टॉल नजर आ रहा है, तो ये इसका फिनोटाइप कहलाता है जो कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। या एक प्लांट आपको शॉर्ट नजर आ रहा है, ड्वार्फ नजर आ रहा है, तो वो इसका फिनोटाइप है जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो टॉल होना या ड्वार्फ होना जो है ये उसका फिनोटाइप कहलाता है, जबकि जेनेटिक मटीरियल कौन सा है, जीन्स कौन सी है उसके पास, ये उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो जैसे इसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है, जीनोटाइप के अंदर ही ये होमोजाइगस और हेटरोजाइगस की बात आती है। इसका जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी है, तो हम कहेंगे इसका जीनोटाइप होमोजाइगस, इसका जीनोटाइप भी होमोजाइगस। फर्क यह है कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है और इसका जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, और इसका जीनोटाइप जो है, इसके पास दो अलग अलग तरह की जीन्स है, तो इसका जीनोटाइप कहलाता है हेटरोजाइगस, और हेटरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट होता है। अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर रहे हैं, तो हेटरोजाइगस आपको हमेशा डोमिनेंट मिलेगा। ये फिनोटाइप के अंदर फिजिकल अपीयरेंस में ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हो गया कि F1 जनरेशन में कोई एक कम्प्लीटली अपने आप को शो करता है और दूसरा नहीं कर पाता, जो कम्प्लीटली शो करता है वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव,
और दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो इसने एक्सप्लेन किया है कि कोई दो फैक्टर्स होते हैं, अब ये सेग्रीगेशन के अंदर ये कहता है कि जो दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। तो गैमेट फॉर्मेशन जब भी होती है, ये दो कैरेक्टर्स, ये दो जीन्स जो है ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और किसी भी गैमेट के अंदर इनमें से कोई एक जीन जाएगी तो वो गैमेट जो है वो उस कैरेक्टर के लिए प्योर हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई और चीज ऐसी नहीं होगी जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर सके, वो अकेली जीन होगी उस कैरेक्टर के लिए जो कि उस गैमेट के अंदर मौजूद होगी। तो इसी वजह से इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस गैमेट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने वाली सिर्फ ये एक जीन है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगी, तो ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो समझ लेते हैं। नंबर वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा क्रॉस के जिसके अंदर आप किसी एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो तो वो आपका कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आप अगर सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं, प्लांट की हाइट को देखें, जब भी आप किसी प्लांट को क्रॉस करवाएंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा वैरायटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन हम जब भी सिंगल वैरायटी को वो करेंगे, सिंगल वैरायटी को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। यानी हम से किसी एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और किसी एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो ये इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट कहलाता है। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? वो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है जब आप किसी एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे होते हैं। जब आप दो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो वो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स कहलाएगा, और उसके ऊपर जो लॉ आता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए होता है, यानी ऐसा क्रॉस के जिसके अंदर कोई जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर हम सिंगल कैरेक्टर जो है उसकी वैरायटी की बात कर रहे होते हैं, और किसी एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस जो है, किसी एक कैरेक्टर का पास ऑन होना जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि एक गैमेट के अंदर कोई एक ही फैक्टर है जो कि उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू राइट अ क्रॉस। ये हमारे पास सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का क्रॉस है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन जो कि पेरेंट्स की है, ये फिलियल जनरेशन नहीं है, ये ऑफस्प्रिंग की जनरेशन नहीं है, बल्कि ये पेरेंट्स की जनरेशन है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है प्योर, इसका मतलब यह है कि ये होमोजाइगस होगा, अभी इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। जो कैरेक्टर यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है वो है सीड की वेराइटी। तो ये हमारे पास राउंड सीड है और दूसरा प्लांट है जिसके अंदर रिंकल्ड सीड है। तो राउंड सीड वाले के पास भी कोई दो जीन्स होंगी जो कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी, उनको यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल आर से। इसका मतलब यह है कि ये कैरेक्टर राउंड सीड होना जो है वो इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल सीड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्मॉल आर से, यानी रिंकल सीड का होना इस प्लांट के अंदर जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इस वैरायटी, इस जीनोटाइप को राउंड होना तो ये इसका फिनोटाइप है, रिंकल्ड होना जो है ये इसका फिनोटाइप है, लेकिन ये जो दो जीन्स हैं इसके पास, ये जो इसका जेनेटिक मेकअप है ये इसका जीनोटाइप कहलाता है। तो ये वाली वैरायटी जो है ये कहलाएगी होमोजाइगस, और चूंकि ये डोमिनेंट फीचर है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, और ये वाली जो वैरायटी है ये कहलाएगी होमोजाइगस, और चूंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया कि कोई दो फैक्टर है और ये फैक्टर्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पेरेंट वन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, तो एक कैपिटल आर अलग चला गया और दूसरा कैपिटल आर अलग चला गया। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ना वो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक पॉलन ग्रेन के अंदर एक कैपिटल आर चला गया, इसके अंदर जो स्पर्म बनेगा उस स्पर्म के अंदर एक कैपिटल आर चला गया, और जो दूसरा स्पर्म किसी और पॉलन ग्रेन के अंदर है उसके अंदर ये दूसरा कैपिटल आर चला गया। ये दौरान ये उस वक्त होता है जब मियोसिस हो रहा होता है, क्योंकि मियोसिस में हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाता है। तो अगर किसी के पास ये दो क्रोमोसोम थे कैरेक्टर उसको सीड के कोड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो ड्यूरिंग मियोसिस ये एक अलग सेल के अंदर चला जाएगा और ये अलग सेल के अंदर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो किसी एक गैमेट के अंदर कोई एक ही कैरेक्टर होगा, किसी एक गैमेट के अंदर कोई एक ही फैक्टर होगा जो कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ओके, सो गैमेट्स बन गए, तो कैपिटल आर ये दोनों अलग अलग हो गए, इसी तरह से स्मॉल आर।
अब यहाँ पे ये जो साइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप किसी को भी मेल और फीमेल जो है वो कह सकते हैं, यहाँ पे कोई हमारे पास डिस्टिंक्शन नहीं है। तो ये साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, और ये साइन रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो ये दो तरह के गैमेट्स हो गए। अब ये दो चूंकि साइड्स हैं, तो इस साइड से एक गैमेट आएगा और इस साइड से एक गैमेट आएगा। इस तरफ से गैमेट कैपिटल आर लेकर आ रहा है, इस तरफ से गैमेट स्मॉल आर लेकर आ रहा है। तो ये कंडीशन के जिसके अंदर दो अलग अलग जीन्स हैं, ये कहलाती है हेटरोजाइगस जीनोटाइप। ये हेटरोजाइगस है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप इसका फिनोटाइप देखेंगे, यानी इस सीड को जब आप लगाएंगे और उससे प्लांट निकलेगा और उसके सीड बनेंगे, तो वो आपको सारे के सारे राउंड सीड नजर आएंगे। तो राउंड कलर, राउंड कैरेक्टर ने जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस किया 100%, और जो रिंकल्ड कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये है कि राउंड होना इस वैरायटी के अंदर, इस प्लांट के अंदर राउंड वैरायटी होना डोमिनेंट है, जबकि जो रिंकल्ड वैरायटी है वो इसके अंदर रिसेसिव है। ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब देन ये क्रॉस आगे बढ़ेगा। अब ये सेकेंड पेरेंट्स जो होंगे वो असल में इस जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होंगे। तो ये जो वैरायटी बनी थी इसको अब सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे, ठीक है। ऊपर हमने देखा था तो ये प्योर कहला रहे थे, अब चूंकि ये प्योर नहीं रहे, इनमें मिक्सिंग हो गई, तो ये हाइब्रिड है। अच्छा, इसका हमने कहा जीनोटाइप तो हेटरोजाइगस है, लेकिन इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप राउंड होगा, क्योंकि कोई एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस राउंड होगी। तो अब की बार हमने दो प्लांट्स ले लिए, या तो दो प्लांट्स ले लें या फिर एक ही प्लांट ले लें, उसी के जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट कर लेंगे। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि आप दो अलग अलग टाइम्स लिखते हैं। इसका जीनोटाइप यहाँ से ले लें, इसका जीनोटाइप भी सेम है, ये दोनों सेम प्लांट्स हैं। अगेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो कैपिटल आर एक गैमेट के अंदर चला गया और स्मॉल आर दूसरे गैमेट के अंदर चला गया। यहाँ पे भी कैपिटल आर एक गैमेट के अंदर चला गया, स्मॉल आर दूसरे गैमेट के अंदर चला गया। दिस इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर के अंदर हम ये F2 जनरेशन जो है उसका क्रॉस करवाते हैं। एक तरफ आप जो है वो मेल गैमेट्स को ले लें, इस तरफ इन्होंने मेल गैमेट्स ले लिए और इस तरफ आपने फीमेल गैमेट्स ले लिया। अब बारी बारी आप क्रॉस करवा रहे हैं, इसमें से पहला गैमेट इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर। इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये इसका जीनोटाइप हो गया। और इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी? जाहिर है जब दोनों राउंड सीड करवाने वाली जीन्स आई हैं तो इसके सीड्स जो है वो आपको राउंड नजर आएंगे। देन इसको आप क्रॉस करवा लें इस वैरायटी के साथ तो आपका बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कंडीशन कहलाती है हेटरोजाइगस, ठीक है। दिस इज नोन एज हेटरोजाइगस। ये इसका जीनोटाइप हो गया। और हेटरोजाइगस कंडीशन में जाहिर है एक कोई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो डोमिनेंट कौन है इसके अंदर? राउंड सीड। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस जो नजर आएगी, यानी इसके अंदर जो भी सीड नजर आएंगे वो राउंड सीड नजर आएंगे। ये दोनों के साथ क्रॉस कर चुका, अब बारी आ गई इसकी। इसको हम पहले इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अगेन सेम वैरायटी है, इसको भी हेटरोजाइगस कहेंगे। और इसका जो फिनोटाइप होगा यानी फिजिकल अपीयरेंस होगी वो राउंड सीड होंगे। एंड देन लास्ट में इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका जीनोटाइप हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और इसका जो फेनोटाइप होगा वो रिंकल सीड होगा। तो अगर आप इनका रेशियो निकालें, कितने आपके राउंड आ रहे हैं दिखने में और कितने आपके रिंकल्ड आ रहे हैं दिखने में, यानी हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है। तो तीन राउंड आ रहे हैं और एक जो है वो रिंकल्ड आ रहा है। तो ये वाला जो रेशियो है ये कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो या फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो कहलाता है। और अगर आप जीनोटाइप की बेसिस के ऊपर निकालें, जेनेटिक मेकअप की बेसिस के ऊपर निकालें, तो उसका रेशियो आता है 1:2:1। इसमें से 1 जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, दूसरा 1 जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है, और जो 2 होते हैं ये हेटरोजाइगस होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो जीन्स हैं, ट्रेट का वर्ड यूज हो रहा है कैरेक्टर के लिए। होमोजाइगस किसके लिए है? प्योर ब्रीड के लिए है, यानी जिसके पास दोनों सेम जीन्स होंगी। हेटरोजाइगस उसके लिए है जो हाइब्रिड है या इम्प्योर है। फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप और जेनेटिक मेकअप को आप कहते हैं जीनोटाइप। तो ये आगे का क्रॉस बताया हुआ है कि जब भी F1 जनरेशन के अंदर जो आए हैं, यानी जो हेटरोजाइगस आए हैं, उनको आप सेल्फ पॉलिनेट करने देंगे तो उसके नतीजे में जो F2 जनरेशन बनेगी उसके अंदर जो रेशो आएगा वो 3:1 का फिनोटिपिक रेशो आएगा, यानी दिखने में,
और जीनोटिपिकली उनका जो रेशियो आएगा वो 1:2:1 का आएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि दिखने में डोमिनेंट है, यानी अगर हम हाइट की बात करें, तो अगर इसी पी प्लांट के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हाइट की दो वैरायटीज है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। अब एक प्लांट है जो कि शॉर्ट नजर आ रहा है मुझे, यानी ये इसका फिनोटाइप है, फिजिकली ये मुझे शॉर्ट नजर आ रहा है, तो मुझे पता है कि इसका जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी होगा। लेकिन अगर एक प्लांट मुझे टॉल नजर आ रहा है तो इसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये दोनों जीन्स इसके पास सेम होंगी, यानी ये कैपिटल टी होगा, या फिर ऐसा होगा कि इसके पास एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, एक जीन टॉल करवाने वाली एक जीन डॉर्फ करवाने वाली, दोनों कंडीशन के अंदर ये टॉल नजर आएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके पास ये वाला जीनोटाइप है ये वाला जीनोटाइप है? तो जीनोटाइप मालूम करने के लिए एक क्रॉस करवाया जाता है, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उस टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डोमिनेंट नजर आने वाला प्लांट है उसको आप उसी के रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट फीचर वाला हमारे पास प्लांट है टॉल, इसको हम इसी के रिसेसिव फीचर के साथ क्रॉस करवाएंगे। अब इसके नतीजे में जो जनरेशन बनेगी, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वैरायटी अपने आप को शो करे, रिसेसिव वैरायटी अपने आप को शो ना कर सके, तो इसका मतलब ये था होमोजाइगस। और अगर दोनों तरह की वैरायटीज अपने आप को शो करें 50-50%, तो इसका मतलब ये वाला प्लांट जो था ये हेटरोजाइगस था। ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस, कि जिसके अंदर आप किसी भी दिखने में डोमिनेंट यानी फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं, यानी आप पता लगा सकते हैं कि वो आया होमोजाइगस है या वो हेटरोजाइगस है। तो हमारे पास ये टॉल प्लांट है, अभी हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है। इसको जब हमने ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया तो उसके नतीजे में 100% टॉल प्लांट बने, इसका मतलब ये था कि ये होमोजाइगस था। क्रॉस करके देख लें, हमने अज्यूम कर लिया ये होमोजाइगस था, तो हमने कैपिटल टी ले लिया। ड्वार्फ का तो हमें पता है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव ही होते हैं, दो स्मॉल टी हैं इसके पास। इसके जो दोनों गैमेट्स बनेंगे उसमें एक एक टी जाएगा, तो एक गैमेट हमने उठा लिया। इसके जो दो गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल डी कैपिटल जाएगा, तो कोई एक गैमेट उठा लें। इसका गैमेट इसके गैमेट के साथ जब फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे जितने भी इसके अंदर प्लांट्स बनेंगे उन सब का जीनोटाइप यही आएगा और वो दिखने में डोमिनेंट आएंगे। जबकि अगर ये हेटरोजाइगस होता तो इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होता, और इसके पास तो स्मॉल टी होना था, इसके पास दोनों रिसेसिव वैरायटीज के। तो इसके दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक गैमेट्स के अंदर कैपिटल टी जाएगा, एक गैमेट के अंदर स्मॉल टी जाएगा, जबकि इसके सारे गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे। अब जब ये कैपिटल टी वाला इस स्मॉल टी वाले के साथ क्रॉस करेगा तो ये प्लांट दिखने में टॉल नजर आएगा, लेकिन जब स्मॉल टी वाला स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो ये प्लांट दिखने में शॉर्ट नजर आएगा। तो अगर तो F1 जनरेशन के अंदर आधे टॉल और आधे ड्वार्फ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब जो टॉल प्लांट आपने लिया था वो होमोजाइगस नहीं था बल्कि वो हेटरोजाइगस था। तो इस जीन से टॉल प्लांट्स बने और इस जीन से ड्वार्फ प्लांट्स बने, ऐसा क्रॉस जो है वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस, और इससे आप होमोजाइगोसिटी या हेटरोजाइगोसिटी मालूम कर सकते हैं किसी भी डोमिनेंट पेरेंट की।